कोरोना संक्रमण काल के दौरान गुजरात हमेशा समाचार खबरों में रहा, चाहे वो ऑक्सीजन के अभाव में होने वाले डेथ हो या फिर आंकड़ों को छुपाने की बात हो। इस बार खास करके रेमडेसिविर इंजेक्शन दवाई की आपूर्ति को लेकर के, उसके निर्माण को लेकर के भी कई कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। तो आज गुजरात संक्रमण काल के दौरान संजाई जानने के लिए हमने ये विशेष प्रेस वार्ता बुलाई है। हमारे साथ हैं वहां के प्रभारी सांसद श्री राजीव सातव जी, अध्यक्ष श्री अमित चावड़ा जी एवं सीएलपी श्री परेश धानानी जी। मैं आग्रह करूंगा प्रभारी श्री सातव जी से कि वो शुरू करें। धन्यवाद प्रणव भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। धन्यवाद प्रणव भाई, सभी हमारे प्रेस के साथियों, सबसे पहले मैं आशा करूंगा कि आप सब लोगों की तबीयत ठीक है, आपके परिवार का आप ख्याल करें। जबकि मैं खुद माइल्ड सिम्टम्स कल से डिटेक्ट हुए हैं और मैं खुद होम आइसोलेशन में हूं, लेकिन आप सब अपना ध्यान रखिए, ये मेरी आप सबसे विनती है। आज हम गुजरात के कोरोना के हालत के बारे में चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और इस प्रेस वार्ता में आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दो वेव अभी तक कोरोना की पूरे देश में आई है और वो गुजरात में भी आई है। गुजरात में पहले वेव और दूसरी वेव, ये दोनों वेव जो आई, पहली वेव का अगर कोई कारण रहा तो वो नमस्ते ट्रंप इवेंट रहा और दूसरी वेव का अगर कोई कारण रहा तो वो नमस्ते स्टंप इवेंट रहा। फरवरी 2020 में जब राहुल जी बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे थे कि आपको कोरोना से लड़ने के लिए काम करना चाहिए, तब देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त ट्रंप साहब को चुनकर लाने के दिशा में एजेंडा बना रहे थे। उन्होंने नमस्ते ट्रंप इवेंट का आयोजन किया, लाखों की तादाद में लोग गुजरात में अहमदाबाद में जमा किए गए और गुजरात में वहां पर जो कोरोना के फर्स्ट वेव की शुरुआत हुई वो नमस्ते ट्रंप इवेंट से हुई। अब दूसरी जो वेव शुरू हुई, जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझने की सेकंड वेव के इसमें परेशान हो रहा था, तब भी गुजरात की बीजेपी और गुजरात की सरकार हरकत में नहीं आई। तब जय शाह साहब के वजह से, जय शाह साहब के फोर्स के वजह से दूसरा नमस्ते स्टंप इवेंट का आयोजन किया गया, क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया और जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर इन्होंने किया, उस स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया और जो कोरोना की दूसरी वेव है वो वहां से शुरू हुई। 12 फरवरी को आप सबको याद है राहुल जी ने जब कहा था कि कृपया ध्यान दीजिए कोरोना की महामारी आने वाली है, तब विपक्ष की सलाह सुनने के बजाय गुजरात के मुख्यमंत्री राहुल जी के ट्वीट का मजाक उड़ाने में लगे थे। हमने जब सेशन चालू था 16 मार्च को, हमारे विपक्ष के नेता और हमारे सभी कांग्रेस के विधायकों ने सरकार से आग्रह किया था कि आप प्लीज कोरोना के ऊपर ध्यान दीजिए, तब भी फ्लोर पर हम कांग्रेस का मजाक उड़ाने का काम उस वक्त की भाजपा की सरकार ने किया। उसके बाद भी कांग्रेस ने कंस्ट्रक्टिव सुझाव रखने के दिशा में 25 मार्च को हम सीएम को मिले, कई सारे सजेशंस हमने दिए और कंस्ट्रक्टिव समर्थन देने की बात भी हमने की और बाद में हमने राज्यपाल को भी 7 अप्रैल 2020 को कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल महोदय को भी कहा था कि सरकार विपक्ष का भी साथ ले और साथ में मिलके ये हम लड़ाई लड़े और हम पूरी तरह से कोरोना की इस लड़ाई में गुजरात सरकार के एफर्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाह रहे थे। अब हमने ये भी कहा था उस वक्त कि सेवा का जो भी यज्ञ है, चाहे वो लोगों को खाना देने की बात हो सकती है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की बात हो सकती है, उसमें हम मदद करने के लिए तैयार है और हमने, सरकार ने जब हमारी मदद ली नहीं, हमने खुद से वहां पर काम भी किया,
कई सारे इश्यूज थे उसके ऊपर कांग्रेस के विधायक और हम सब लोग मिलकर उसमें काम करते रहे। हमारे विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, इन सब ने करीब 300-350 के आसपास लेटर, 387 के आसपास लेटर उनको लिखे। मेरे विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इस पत्रकार वार्ता में हम सबके साथ यहाँ पर है। हमारे जो MLA हैं उनके ग्रांट से भी कोविड में काम करने का हमने काम किया। लेकिन पिछले एक साल का गुजरात सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है? एक साल पहले हमने जो बातें उठाई, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, रादर बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ही पार्टियां गुजरात में है। हमने कहा था कि फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी आप अपग्रेड कीजिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हमने कहा था कि आप डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सीटी स्कैन, हर जिले में सीटी स्कैन की मशीन्स भी नहीं है गुजरात की सही मायने में रियलिटी। RT-PCR की टेस्टिंग गुजरात में हर जिले में अभी तक नहीं थी, पिछले कुछ दिनों में RT-PCR की टेस्टिंग के बारे में इन्होंने काम किया। तो सवाल ये है, पिछले साल भर में गुजरात सरकार ने क्या बढ़ाया? ना हॉस्पिटल बढ़ाए, ना डॉक्टर्स बढ़ाए, ना पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाए, ना सही मायने में नर्सेस हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, कोई बढ़ाया नहीं। अगर कुछ बढ़ा पाए तो कांग्रेस के चंद विधायकों को बढ़ाने का काम अपने खाते में गुजरात की सरकार ने पिछले साल भर में किया। राहुल जी ने खुद कहा था कि कोरोना की सुनामी आने वाली है, इसमें ध्यान दीजिए, कोई ध्यान आपने दिया नहीं। राहुल जी ने कहा था कि वैक्सीनेशन की आप पॉलिसी बनाओ, क्या गुजरात में वैक्सीनेशन की हालत है, क्या सही मायने में वैक्सीनेशन आप कर पाए? तो इसका क्लियरली उत्तर है कि कुछ नहीं हुआ है। गुजरात के आज भी 14 जिले में सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, आज भी पूरे जिले में RT-PCR टेस्टिंग हो नहीं पा रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ये कल के एफिडेविट में राज्य सरकार ने माना है, जो गुजरात की हाईकोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात के हाईकोर्ट को हरकत में आना पड़ा और ऑनरेबल हाईकोर्ट के सुमोटो जब उन्होंने दखल लिया तो उसके बाद उन्होंने माना कि ऑक्सीजन हमारे पास उतना नहीं है, मेडिकल स्टाफ की कमी है, सीटी स्कैन पूरी तरह से नहीं है। तो सवाल ये है कि पिछले 25 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार भाजपा की, राज्य सरकार भाजपा की, सभी लोकल बॉडीज भी भाजपा की, फिर भी लोगों को आप मदद क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये इसका सबसे मूलभूत सवाल है। आपके हाईकोर्ट के एफिडेविट में राज्य सरकार ने माना है कि रेमडेसिविर का शॉर्ट सप्लाई है, हाईकोर्ट के एफिडेविट में राज्य सरकार ने ये माना है कि रेमडेसिविर का शॉर्ट सप्लाई है, जब रेमडेसिविर का राज्य सरकार के पास सप्लाई नहीं है, और जब भाजपा के वहां के प्रदेश अध्यक्ष के पास 5-5, 10-10 हजार रेमडेसिविर का सप्लाई कहां से आता? जब गुजरात की प्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जब गुजरात की प्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में पूछती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुझे मत पूछिए, जो गुजरात के भाजपा के अध्यक्ष है उनसे पूछिए कि उन्होंने कहां से लाए। गुजरात के छोटे छोटे भाजपा के नेताओं के पास भी रेमडेसिविर है, और कल गुजरात के प्रेस के साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसके फोटो उन्होंने पेपर में उजागर किए और वो मुझे लगता है ड्रॉप हो गई है उनकी, दोबारा कनेक्शन कर लीजिए। प्रशांत उनको कनेक्ट करिए, तब अध्यक्ष जी से अमित भाई जी। हाँ, जब तक वो आते हैं आप ऐड करिए उसमें, वेट करेंगे उनका या कंटिन्यू कर सकते हैं? जब वो आ जाएंगे तो हम फिर आ गए हैं। अच्छा जी, राजीव भाई प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है।
सॉरी वो कनेक्शन का प्रॉब्लम। और कल के हाईकोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें भाजपा की गुजरात की सरकार ने ये माना है कि हमारे पास रेमडेसिविर की किल्लत है, हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत है। अगर भाजपा के सरकार के पास ऑक्सीजन रेमडेसिविर की किल्लत है लेकिन भाजपा के अध्यक्ष के पास तो रेमडेसिविर उपलब्ध है, भाजपा के छोटा छोटे नेताओं के पास रेमडेसिविर उपलब्ध है, और उसके फोटो मैं गुजरात के मीडिया साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वो फोटो भी पब्लिश किए हैं जिसमें स्पष्ट दिखता है कि इन्होंने अपने फोटो और गुजरात भाजपा का प्रचार चिन्ह लगाकर ये रेमडेसिविर बांटने का काम शुरू किया है। तो गुजरात हाईकोर्ट में तो आप कह रहे हो हमारे पास रेमडेसिविर नहीं है, लेकिन गुजरात भाजपा नेताओं के पास रेमडेसिविर कहां से आ रहे है ये सवाल है। हमारे विपक्ष के नेता परेश भाई ने इसके बारे में हाईकोर्ट में पिटीशन भी डाला है जिसके ऊपर गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा के अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया है और सरकार को भी नोटिस जारी किया है। यही बात ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में भी है कि जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन तो आपके पास नहीं है, यह आपने एफिडेविट में बताया। तो जब ऑक्सीजन आपके पास नहीं है तो सही मायने में आप कर क्या रहे हो? एक साल से आप ऑक्सीजन का स्टॉक जमा नहीं कर पा रहे, एक साल से हॉस्पिटल की कैपेसिटी बिल्डिंग आप नहीं कर पा रहे हो, एक साल से डॉक्टर्स को हायर आप कर नहीं पा रहे। जो भी सिविल हॉस्पिटल या जो भी अस्पताल गुजरात में है वो सभी अस्पताल कांग्रेस के शासन काल में बनाए गए अस्पताल है। पिछले 25 साल में मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि पिछले 25 साल में एक भी नए अस्पताल का निर्माण गुजरात की भाजपा के सरकार ने नहीं किया, और वो 25 साल में से 13 साल जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है वो भाजपा के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। तो सवाल ये है कि गुजरात मॉडल की तो बात आपने बहुत की लेकिन ना हॉस्पिटल बना पाए, ना सही मायने में शैक्षणिक संस्थाएं बना पाए। तो गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल सिर्फ पब्लिसिटी का मॉडल आपका रहा है, और हम तो इसमें भी आगे नहीं जाना चाह रहे। हमारी प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से ये अपील है कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। आप बंगाल बहुत बार गए, आप तमिलनाडु बहुत बार गए, आसाम बहुत बार गए, लेकिन गुजरात की 6 करोड़ जनता आज परेशान है। जितने आपने वैक्सीन बाहर एक्सपोर्ट किए उसमें से कई वैक्सीन अगर गुजरात के लिए रखते थे तो गुजरात की पूरी जनता आज वैक्सीनेटेड होती थी। कम से कम हमारे गुजरात की जनता का तो आप ख्याल करते और सही मायने में गुजरात की लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेशन के लिए दिशा में हम लेकर जा सकते थे, वो नहीं हो पाया है। और गुजरात सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि सिर्फ 0.5% लोग संक्रमित है। अगर 0.5% लोग संक्रमित है, इस आप कह रहे हो कि 87,000 लोग संक्रमित है, 87,000 लोगों में गुजरात का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह से आपने देखा होगा कि कहीं पर भी बेड नहीं मिल रहा है, और सरकार झूठ कह रही है हाईकोर्ट में कि लोगों को चॉइस के अस्पताल चाहिए। अब सिविल हॉस्पिटल में 100-100 एम्बुलेंस की लाइन लगी है बाहर, और 5-5, 7-7, 8-8 घंटे के बाद ऑक्सीजन 7-7, 8-8 घंटे के बाद वहां पर सही मायने में उनका एडमिशन हो रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन में डेथ्स हो रही है। कितनी डेथ हो रही है इसके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, और शमशानों में और कब्रिस्तानों में पूरी तरह से लाइन लगी है। गुजरात के हिस्ट्री में इतनी मौतें कभी हुई नहीं है, और विडंबना यह है कि देश के प्रधानमंत्री गुजरात से है, देश के गृह मंत्री गुजरात से है, और फिर भी उनको गुजरात की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। हमारी अभी भी अपील रहेगी कि कम से कम ये जो डबल इंजन, डबल कहने के बजाय ट्रिपल इंजन वाली अभी सरकार है, पहले तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चलाते थे, अब गुजरात के भाजपा अध्यक्ष का तीसरा इंजन लग गया है, वो दूसरे दिशा में खींचते जा रहे हैं। तो ये 3 इंजन की जो सरकार है गुजरात में, ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कोई ध्यान गुजरात की तरफ नहीं है,
कम से कम जिस प्रदेश से आप आते हो उसके तरफ तो ध्यान दीजिए, ये मेरा यहाँ पर कहना है। मेरे साथी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अमित भाई और परेश भाई कुछ बातें यहाँ पर ऐड करेंगे, कुछ बातें यहाँ पर ऐड करेंगे। अमित भाई बोलिए। आज की ये प्रेस वार्ता में हमारे साथ जुड़े आदरणीय सातव जी, हमारे साथी विधानसभा पक्ष के नेता परेश भाई, आदरणीय प्रणव जी और सभी प्रेस मीडिया के साथियों का स्वागत करते हैं। सातव जी ने विस्तृत तरीके से पूरे गुजरात की जो सिचुएशन है उसका दौरा दिया है। मेरे ख्याल से गुजरात की स्थापना से आज तक ये पहला ऐसा मौका है कि जब लोगों को लग रहा है कि सरकार नहीं है, हम भगवान भरोसे हैं। और ये लोग अकेले नहीं कह रहे, गुजरात नामदार हाईकोर्ट ने भी बोला कि आज गुजरात में सिचुएशन ऐसी बेकाबू हो गई है कि लोग आज भगवान के भरोसे जीने के लिए मजबूर हैं। जैसे बताया कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जो आज से एक साल पहले फरवरी 2020 में हुआ, उस कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना का गुजरात में दस्तक हुआ और आज एक साल के बाद वही स्टेडियम में लाखों की तादाद में आपने सभी गाइडलाइन का उल्लंघन करके नमस्ते स्टंप मतलब क्रिकेट मैच का आयोजन करके फिर से कोरोना के दूसरे वेव को आमंत्रित किया है। आज गुजरात की हालत क्या है? जिस गुजरात मॉडल की चर्चा पब्लिसिटी पूरे विश्व में की गई, वाइब्रेंट गुजरात, संवेदनशील गुजरात, प्रगतिशील गुजरात की बातें की गई, पिछले 25 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसमें खास करके 13 साल आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है वो गुजरात के सीएम रहे और पूरी मार्केटिंग पब्लिसिटी ऐसी की गई कि नरेंद्र भाई मतलब विकास पुरुष, गुजरात मतलब विकासशील राज्य और गुजरात मॉडल मतलब विकास का मॉडल। आज कोरोना महामारी का एक साल खत्म हुआ, हमारी गुजरात की 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से आज के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 0.5% लोग ही अभी संक्रमित हुए, 0.5% लोग संक्रमित हुए हैं। और ऐसे में हालात क्या है कि आप एम्बुलेंस के लिए फोन करो तो एम्बुलेंस आने में करीबन 5-7-8 घंटे का वेटिंग चल रहा है। कोई भी हॉस्पिटल में आप एडमिट होने के लिए, बेड लेने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जाओ तो उसके लिए भी घंटों तक आपको वेटिंग करना पड़ रहा है, कई जगह तो आपको जगह ही नहीं मिल पा रही। और साथ में दुख की बात ये है कि हॉस्पिटल में बेड तो नहीं मिल रहे, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं है, स्टाफ नहीं है और साथ में अंतिम धाम मतलब जो हमारा आखिरी मुकाम है श्मशान, वहां भी अंतिम क्रिया के लिए घंटों तक वेटिंग में रुकना पड़े, ऐसा हालत गुजरात का आज हो गया है। पिछले एक साल से हमने सरकार के सामने एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे खुद सीएम से जाके मिले, खुद गवर्नर से जाके मिले, उनको हमने रिटर्न में लिखित में हमारे सजेशन और समर्थन दिया। पूरे गुजरात में हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी तरह की लोगों की फूड पैकेट हो, खाना हो, मास्क का वितरण हो, दवाइयां हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, सभी तरह की हेल्प करने का प्रयास किया। साथ में हमारे एमएलए ने अपने एमएलए फंड से 7 करोड़ जितनी रकम भी वेंटिलेटर और बाकी के उपकरण के लाने के लिए एक साल पहले दिए। पूरा एक साल हुआ, 25 साल का शासन है तो भी ये सरकार ने कुछ भी तैयारी नहीं की, बस बातें की, अपनी पॉलिटिकल एजेंडे पे आगे बढ़े। उसका नतीजा आज ऐसा है कि गुजरात में स्थिति बेकाबू हो चुकी है। गुजरात में लोग आज जो मर रहे हैं, हम स्पष्ट मानते हैं कि ये कोरोना महामारी से ज्यादा सरकार की जो गलत नीतियां है, सरकार का जो फेल एडमिनिस्ट्रेशन है और सरकार की जो विफल पॉलिसी बनाई गई और उसके हिसाब से काम चल रहा है, उसकी वजह से ये लोग मर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि ये कोरोना के साथ साथ मैन मेड
और गवर्नमेंट मेड डिजास्टर है और उसका वो गुजरात के लोग बन रहे हैं। गुजरात की नामदार हाईकोर्ट को कहना पड़ा, सुओ मोटो करके 12 अप्रैल को कहना पड़ा कि ये सरकार बिल्कुल विफल है, ये सरकार सत्य छुपा रही है, आंकड़े छुपा रही है। हम एक साल से कह रहे हैं कि सही मात्रा में ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, जो भी टेस्टिंग है उसके जो भी इंफॉर्मेशन आंकड़े है वो पब्लिश होने चाहिए, उसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस होगी और ये हम संक्रमण रोक पाएंगे। लेकिन नामदार हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सरकार छुपा रही है, टेस्टिंग के आंकड़े छुपा रही है, संक्रमित लोगों की संख्या छुपा रही है, और साथ में दुख की बात तो यह है कि ये लोग कितने डेथ हो रहे हैं और डेथ के नंबर्स भी छुपा रहे हैं। तो सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए नंबर छुपा रहे हैं, ऐसा नामदार हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। साथ में नामदार हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि गुजरात में टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाओ, हर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग की लेबोरेटरी होनी चाहिए, जो आज 25 साल के भाजपा के शासन के बाद और एक साल के कोरोना के काल के बाद भी 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहां पे टेस्टिंग की लेबोरेटरी नहीं है, 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहां सिविल हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन नहीं। तो ये कैसा गुजरात मॉडल, ये कैसा विकास का मॉडल कि जहां इतने सालों के बावजूद भी सरकारी अस्पताल में सिविल हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं है। आज बगल के स्टेट हमारे राजस्थान में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए पहले 500 रुपए लिए जा रहे हैं, गहलोत जी ने उसको कम करके 350 रुपए किए, जबकि गुजरात में पहले दिन से लूट चलाई जा रही है। आज भी गुजरात में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 700-900 रुपए ले जा रहे हैं। गुजरात में जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ट्रीटमेंट देने के लिए, ये हॉस्पिटल में बेड दिलवाने की, उसके बदले आज लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर है और लाखों रुपए की लूट लोगों से हो रही है। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि ये गवर्नमेंट की विफलताओं के कारण, गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण ये गुजरात में आज ये मेन मेड डिजास्टर है और लोग मर रहे हैं। हमने तो बार बार सरकार से बोला कि हम समर्थन करते आए हैं, आज भी करते हैं। ये महीने में भी हम गवर्नर से मिले, गवर्नर को रिक्वेस्ट किया कि आप सर्वपक्षीय बैठक बुलवाइए, हम सभी लोग समर्थन करेंगे। काफी एनजीओस है, काफी संस्थाएं वो भी समर्थन करना चाह रही, लेकिन ये जो अहंकारी शासक है वो एक तो उनके पास कोई दूरंदेशी विचारधारा स्ट्रेटेजी नहीं है और किसी को साथ में लेके काम करने की भी नीयत नहीं है, तो उसकी वजह से आज लोग मर रहे हैं। तो हमारी तो सरकार से हमने बार बार विनती की, हमने प्रधानमंत्री जी को वही बोला कि ये गुजरात के लोगों ने ही आपको दिल्ली पहुंचाया। जब जब गुजरात मॉडल की बात आती है तो क्रेडिट आप लेते हैं, तो इस बार जो ये डिजास्टर जैसी सिचुएशन है, बेकाबू परिस्थिति है, तो उसके लिए भी आगे आइए, गुजरात के लोगों को बचाइए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़े कि ये पिछले एक साल से ये सिचुएशन है और ये सेकंड वेव में तो भयानक सिचुएशन है, लेकिन न प्रधानमंत्री जी कुछ कर रहे हैं, न गृह मंत्री जी कुछ कर रहे हैं, और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलने वाली गुजरात की भाजपा सरकार और उसके सीएम भी कोई भी ऐसी नीति नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा। हमने बोला सरकार से कि आप श्वेत पत्र व्हाइट पेपर्स बाहर निकालिए कि जिसकी वजह से गुजरात के लोगों को पता चले कि कितनी हॉस्पिटल्स है, कितने बेड्स अवेलेबल है, कितने बेड ऑक्यूपाइड है और कितने बेड वैकेंट है, और इंजेक्शन रेमडेसिविर के बारे में परेश भाई बात करेंगे, लेकिन इंजेक्शन की क्या सिचुएशन है। जो ऑक्सीजन, गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट है, फिर भी ये सरकार के दूरंदेशी के अभाव के कारण आज गुजरात में ऑक्सीजन न मिलने से लोग मर रहे। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नवसारी में स्वस्थ लोग जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला उसकी वजह से 5 लोग अभी परसों ही अपनी जान खो चुके। ऐसे समय में सरकार से हमारी आज भी प्रार्थना है कि हम पॉजिटिवली सपोर्ट करना चाह रही है, आप अपने अहंकार से बाहर निकलिए, सबको साथ में लीजिए, हम सब साथ मिलके ये कोरोना के सामने लड़ना चाह रहे हैं, हम सभी तरह की मदद भी ऑफर करें। हमने हमारे प्रदेश कार्यालय से लेके
14 डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यालय कैंपस को सरकार को लिखित में दिया कि हमारे ये कैंपस है, हमारी जगह है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाह रहे हैं, हम खाना प्रोवाइड कराएंगे, हम बाकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ कोविड केयर सेंटर शुरू कीजिए। हमने अहमदाबाद और सूरत दोनों जगह जहाँ विपरीत परिस्थिति है वहां भी कोविड केयर सेंटर शुरू करने के लिए परमिशन मांगी। हमारे MLAs ने फिर से पिछले 3 दिन से हमारी MLA ग्रांट से रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए और वेंटिलेटर के लिए लाखों रुपए देने की शुरुआत की है, लेकिन सरकार के पास तो न कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई दिशा है। उसकी वजह से आज गुजरात में लोग मर रहे और ये फेल गुजरात मॉडल पूरे देश और दुनिया के समक्ष एक्सपोज हो गया है। ये नरेंद्र मोदी जी का फेल गुजरात मॉडल है जिसकी वजह से गुजरात में लोग मर रहे हैं। आज भी हम सरकार से विनती करते हैं कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट 3 तरीके पे आगे बढ़िए, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी से आगे बढ़िए। हम सब साथ है गुजरात के और देश के लोगों की जान माल की रक्षा के लिए। ये कोरोना महामारी से लड़ के हम बाहर निकले, उसे महत करें, उसके लिए कांग्रेस पक्ष पॉजिटिवली आगे सरकार के साथ रहेगा, लेकिन अपनी गलत नीतियों को छोड़िए और सबको साथ लेके आगे बढ़िए। थैंक यू परेश भाई। परेश भाई संक्षिप्त में। थैंक यू सर, आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रभारी आदरणीय सातव जी, हमारे सम्माननीय साथी और प्रदेश अध्यक्ष अमित भाई, प्रणव भाई और सभी वरिष्ठ पत्रकार जनों का स्वागत भी करता हूं और तंदुरुस्त स्वास्थ्य की शुभकामना देता हूं। आदरणीय सातव जी और अमित भाई ने विस्तृत तौर पर बात की है, लेकिन सच्चाई वही है कि गांधी और सरदार का गुजरात मॉडल आज हेल्थ केयर सिस्टम टोटल डिस्ट्रॉय हो गई और लोग अपना जी बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जैसे नमस्ते ट्रंप से गुजरात में कोरोना का व्याप बढ़ा था, आज वैसे ही नमस्ते स्टंप कार्यक्रम से दूसरी लहर गुजरात में हाहाकार मचाया है, घातकता और व्यापकता बढ़ाई है और गुजरात के ग्रामीण इलाकों में भी आज कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज तक तो महानगर और अर्बन सेंट्रिक इश्यूज जो दिख रहा था, लेकिन मैं जब गुजरात के कई जिलों का दौरा किया, ग्रामीण गुजरात की स्थिति और खराब है। हमने सरकार को बार बार कहा कि हम आपके साथ हैं, हमने समर्थन दिया, सहयोग किया, सेवा यज्ञ शुरू किया लोगों को बचाने के लिए, चाहे भोजन हो, चाहे राशन हो, चाहे बीते साल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो हम सुविधा उपलब्ध करा सकते थे, तन मन और धन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काम किया। सरकार के पास 1 साल पूर्व तैयारी के लिए था। 15 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने पूरे देश के सभी राज्यों को दूसरी लहर के लिए तैयार रहने का आदेश दिया हुआ था, मार्गदर्शिका परिपत्र किया हुआ था। बावजूद सरकार नहीं मानी। बीते 1 साल में भाजपा विधायक दल में कुछ धारा सभ्यों को बढ़ाने के लिए, लोकल बॉडीज में कुछ ज्यादा डेलीगेटों को चुनने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी का उपयोग होता रहा और दूसरी तरफ आज दूसरी लहर से गुजरात में हर रोज कितने हजार लोग मर रहे हैं। सातव जी ने कहा सही बात है, कभी बात होती थी कुछ दिन गुजारो गुजरात में, आज गुजरात के लोग कहते हैं बिना अस्पताल ऑक्सीजन और डॉक्टर की वजह से मर जाओगे एक ही रात। और इस माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी आज भी राजनीति करने में तुली हुई है, मौत का माहौल खड़ा करके मसीहा के रूप में रेमडेसिविर कमलम की कार्यालय से बांटने की साजिश रची। रेमडेसिविर का शॉर्टेज खड़ा किया गया, कुछ 5,000 वायल्स बांटने का कार्यक्रम किया गया। बीजेपी चीफ के कहने मुताबिक 15-20,000 रेमडेसिविर का उन्होंने आयोजन किया था, मतलब उसको कॉर्नर किया गया। तो एक तरफ पूरे गुजरात में आम जन सरकारी अस्पताल में, खानगी अस्पताल में रेमडेसिविर के लिए दर दर भटक रहे थे, भीख मांग रहे थे, रो रहे थे और अपने परिजन जान गंवा रहे थे, और दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने
पूरे प्रदेश के जितने भी रेमडेसिविर थे उसका बिन अधिकृत तरीके से स्टॉक किया और राजकीय रोटी पकाने के लिए सूरत में कार्यक्रम किया। आप सब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के जो कानून है, जो प्रावधान है, उनके तहत रेमडेसिविर जैसी दवाई इंजेक्शन उनका कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था बिन अधिकृत तरीके से उसको खरीद नहीं सकते हैं, उसका संग्रह नहीं कर सकते हैं, उसको वितरण भी नहीं कर सकते हैं। उनके सब जानने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने सरकार से ऊपर उठकर पार्टी को बड़ा करने की कोशिश की, मौत का माहौल खड़ा करके मसीहा के रूप में लोगों के बीच रेमडेसिविर ले जाने की साजिश थी और उनके खिलाफ हमने नामदार हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज करवाई थी। मैं धन्यवाद करता हूँ नामदार कोर्ट का लिस्टिंग नामदार कोर्ट ने रिश्ते आवाज नहीं आ रहा नोटिस जारी किया है और कानून और प्रावधान के मुताबिक जिन जिन लोगों ने रेमडेसिविर का बिन अधिकृत खरीद किया है, संग्रह किया है या वितरण किया है, उन सब लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो, उनके लिए 5 मई के दिन अगली सुनवाई रखी है। मैं मानता हूं आप सब साथी भी अवगत हो गए, आज गुजरात के अंदर ये दूसरी लहर पूरे ग्रामीण गुजरात में घेरा डाला हुआ है, गांव के अंदर नहीं लोगों को एम्बुलेंस मिल पा रही है, नहीं इंजेक्शन या ऑक्सीजन मिल पा रहा है। जिला स्तर पे जाए तो अस्पताल में चाहे सरकारी या खानगी अस्पतालों में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। आज अभी जो मुझे फोन आया राजकोट में शाम 6 बजे तक का ऑक्सीजन है, 2 हॉस्पिटल में कल रात को ऑक्सीजन खत्म हो गया था और 6 बजे तक अगर राजकोट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो बड़ी जान हानि होने की शक्यता है। परसों राजकोट अस्पताल में मुख्यमंत्री के गृहनगर में 200 से ज्यादा शव अस्पताल के अंदर अंतिम यात्रा के लिए वेटिंग में पड़े हुए थे। अस्पताल पे लाइन है, टेस्टिंग लेबोरेटरी पे लाइन है, सीटी स्कैन के अंदर लाइन है, एम्बुलेंस की लंबी लंबी कतारें दिख रही है और स्मशान में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि गुजरात में बीते 15 दिन से हर रोज लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, स्मशान में वेटिंग चल रहा है और लाशों को जलाते जलाते स्मशान की लोहे की भटिया पिघल रही है, लेकिन हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री और संवेदनहीन प्रधानमंत्री उनका दिल क्यों नहीं पिघलता, लोगों को बचाने के लिए वो पूरी व्यवस्था क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे। आज गुजरात गुजरात मॉडल और उसमें गुजरात की हेल्थ केयर सिस्टम टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है। हम खुद सिविलियन लोगों को मदद करना चाहते हैं, लोग रात भर फोन किया करते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें एम्बुलेंस चाहिए और हेल्पलेस होकर हम उसको मदद भी नहीं कर पा रहे। तो ये कटोकटी की स्थिति में कुदरत को ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि मेरे गुजरात को गुजराती को बचाए। कुछ दिन गुजारो गुजरात में बात करने वाले लोग एक दिन गुजरात में आ जाए बिना अस्पताल डॉक्टर ऑक्सीजन वेंटिलेटर और इंजेक्शन के एक ही रात में जो मर रहे हैं उन लोगों को बचाए। धन्यवाद। धन्यवाद परेश भाई। हम सवाल आमंत्रित करते हैं अपने मित्रों से, कृपया एक करके सवाल पूछिए। जी सुनील प्रभु जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन एंड आल्सो इंडिकेट हु डू यू वांट टू आंसर फ्रॉम। Mr. Rajiv Sattav, please. You know, the Supreme Court has just now taken the suo moto decisions about not leaving it to the high courts, but to they will take, cognizance of it suo moto. And they've asked Mr. Harish Salve to be the amicus curiae in this entire matter. What is your response? Because you have been just giving us, a complete
failure of state machinery, law and order, patronage of a political party towards certain medicines while the state chief minister is washing his hands. And now the Supreme Court has come out in support of, this is partly the center and the states by intervening and taking suo motu. What is your response to this, please? Actually, I don't know what's the Supreme Court, Honorable Supreme Court's verdict is there. But my response is that, see, in 2014, when Mr. Narendra Modi was a prime minister candidate, he projected Gujarat model and he said, I will develop India like a Gujarat model. And nobody understood that Gujarat model means only publicity, good headlines, PR management. So frankly, in last 6 years, what Prime Minister has done, he has really replicated the Gujarat model. And the actual Gujarat model was no infrastructure development, no hospital development, no school building, school infrastructure development. Only PR management is the Gujarat model. And that is we are seeing in the country in, since last 6 years. Thank you, Rajiji. अगला सवाल मौसमी है आज तक से मौसमी पूछिए हाँ यस प्लीज गो अहेड सर सोनिया गांधी इज रिटन अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर इवन ममता बनर्जी इज आल्सो आस्क्ड फॉर अ रिवर्सल ऑफ द पॉलिसी एंड द वैक्सीनेशन पॉलिसी शुड बी फ्री फॉर ऑल तो क्या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है क्योंकि क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा है कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल क्या आपको भी फ्री पहली जैसे आपने देखा होगा आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने इस बारे में तो स्पष्ट रूप से कहा बिहार की जब इलेक्शन थी आप सभी मौसमी जी आपको याद होगा तब बिहार में मुफ्त वैक्सीन बांटने का वादा किया गया तो जहां इलेक्शन आएगी वहां मुफ्त वैक्सीन बांटने का वादा होगा और जहां इलेक्शन नहीं होगी वहां कोई वादा नहीं होगा आप बाकी छोड़िए अगर वैक्सीन की जो राहुल जी ने कहा वैक्सीन की पॉलिसी बनाई ये करीब 4-6 महीने पहले राहुल जी ने कहा तब भी हमारे हर्षवर्धन जी और बाकी सारे मंत्रियों ने मजाक उड़ाया तो वैक्सीन तो सबके लिए होने चाहिए और सरकार ये पीएम केयर और बाकी ये जो पैसे जमा करके बैठी है सेंट्रल विस्टा के 25,000 करोड़ खर्च करना चाह रही है आपने लिए खुद के लिए 8,500 करोड़ से ज्यादा के हवाई जहाज आपको चाहिए 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की बुलेट ट्रेन आपको करवाना है प्लीज ये पैसे वैक्सीन के लिए खर्च करें हम सब क्या नेक्स्ट 5 साल का भी जो 3-4 साल बचे है उसका सबका सांसद निजी भी ले लीजिए लेकिन फ्री वैक्सीन सबको दे दीजिए ताकि लोगों को उसकी राहत हो और वैक्सीन तो फ्री हो और वैक्सीन तो सबके लिए वैक्सीन फॉर ऑल ये भी पॉलिसी होनी चाहिए इतना दो काम भी सरकार कर ले तो सही मायने में कोरोना की लड़ाई में बड़ी उपलब्धि हो सकती है लेकिन दिक्कत यह है कि ये सरकार की अहंकार इतना है घमंड इतना है और विपक्ष का तो सुनना ही नहीं है ये एजेंडा ये लेकर बनाया है आपने देखा होगा कि राहुल जी ने जो जो बातें रखी उसके ऊपर रविशंकर प्रसाद जी और उनकी टीम ऑफ मिनिस्टर्स टीम ट्रोलिंग टीम जो आती थी और 2-3-4 दिन के बाद राहुल जी की सूचना को भी उनको मानना पड़ा अगर पहले ही बाकी वैक्सीनेशन को आप अलाउ करते थे पहले ही वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी बनाते थे तो ये नौबत आती नहीं थी लेकिन मुझे अकेले को सब पता है मैं 8 बजे डीमोनेटाइजेशन भी कर लूंगा मैं GST भी गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर दूंगा मुझे कोरोना का तो मैं मास्टर ही हूँ ये अगर सरकार का अप्रोच है तो भगवान भरोसे है धन्यवाद सर अगला सवाल पूछे कोई और सवाल हो किसी साथी का हेलो हाँ, मैं विजय लक्ष्मी बोल रही हूँ कांग्रेस शासित राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या आप कुछ खास करने की प्रयास करेंगे जिस तरह से चिट्ठी लिखी है कांग्रेस अध्यक्षा ने कि ये
जिस तरह से वैक्सीन की अलग अलग प्राइसेस हैं उससे जो बहुत ही अगर इकोनॉमिक जोन की बात करें तो जो बहुत गरीब लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा या प्राइवेट अस्पतालों में महंगी होगी, तो क्या कुछ विशेष आप करने का सोच रहे हैं या कुछ इस तरह की चीजें कांग्रेस शासित राज्यों में? आपने देखा होगा कि जैसे हमारी जो राजस्थान की सरकार है उन्होंने वैक्सीनेशन का आपने देखा होगा कि पूरी तरह से जो टेस्टिंग के प्राइजेस पूरी तरह से कम किए हैं, या जो जो सजेशन कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से आ रहे हैं वो कांग्रेस शासित राज्यों में पूरी तरह से उसमें काम हो ये हमारी अपेक्षा है। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि कांग्रेस के जो राज्य है उसमें इस बारे में प्राथमिकता से काम होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के राज्यों में इसमें काम होगा, लेकिन क्या विपक्ष की बात मोदी सरकार सुनना चाहेगी? क्या जो सच है, क्या जो रियलिटी है वो तो एक्सेप्ट करे, भले क्रेडिट कांग्रेस को ना दे। जैसे जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पत्र का जवाब हर्षवर्धन जी ने दिया, क्या वो उनको शोभा देता है? हर्षवर्धन जी ने जो जवाब दिया क्या वो सही स्पिरिट में था? तो ये अरोगेंस की जो लेवल है ना, अरोगेंस तो हिटलर में भी था और बाद में क्या हुआ हम सबको पता है। जी राजीव भाई, इसी संबंध में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने सभी के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान किया, ये कल ही किया गया। तो मेरे ख्याल से आपने कहा कि और राज्य हमारे जो हैं वहां भी कुछ ना कुछ स्तर पर पहल होगा। अगला सॉरी प्रणव, जस्ट वांटेड टू चेक इफ यू आर सेइंग छत्तीसगढ़ इज गिविंग, सो विल पंजाब गिव एंड विल अदर स्टेट्स आल्सो गिव? We will share the information, Sunil ji, as soon as we get a confirmation. But I'm sure they will be looking at opportunity and options. Okay. Thank you. Agla sawal, Meenakshi Sharma. Pranab. Ji, Mausmi, kuch keh rahi hain aap? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड वैक्सीन फ्री वैक्सीन फॉर ऑल पीपल इन छत्तीसगढ़, व्हेन बाय व्हेन कैन वी सी अदर स्टेट्स कांग्रेस रूल्ड एंड दोज इन अलायंस, यू नो, कैन वी सी दोज ऑल्सो? बिकॉज the other day Mr. Chidambaram was asked about this and he mentioned that, you know, we'll give them some time to decide on this. You just heard Rajiv Satav ji, Sanjeev ji, you just heard Rajiv Satav ji when he said that they will be exploring the options, whatever best that they can be done. I'm sure the states will explore and work in favor of people so that there's no burden on them. And in that regard, the beginning was done by the Chhattisgarh unit, the Chhattisgarh government. Okay. So we'll wait for any update and we'll share with you eventually. Thank you. Okay. Mausmi, आपका कुछ counter question था? हाँ वही यही okay. था, clarity हो गई जो आपने बोला। ठीक है, ठीक है, thank you. मीनाक्षी सन्मार्ग से, please मीनाक्षी पूछिए। जी सातव जी को मैंने सुना और परेश जी को भी सुना, जो उन्होंने इतनी बातें कही है गुजरात सरकार के खामियां गिनवाए हैं, जहां जहां इलेक्शन हो रहा है वहां जाके उन्होंने ये पब्लिसिटी क्यों नहीं की, जबकि बंगाल में इलेक्शन है और वो सोनार बांग्ला बनाने का सपना दिखा रहे हैं, तो कैसा गुजरात सोनार है ये बताना चाहिए हकीकत आप लोगों को। ये तो जहां जहां इलेक्शन है हम ये बात को जरूर रख ही रहे। बंगाल में आप लोग कोई नहीं गए पब्लिसिटी करने के लिए, अकेले अधीर रंजन लड़ रहे हैं, वो भी बेचारा कल से कोरोना में ग्रसित है। ऊपर का मामला, मैं सिर्फ मैडम कोरोना पॉजिटिव तो मैं भी हूँ, मैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बात यह है कि जिस प्रकार से सब जो इंस्टीट्यूशंस है, फिर कल से कनेक्शन उनका चला गया। परेश भाई सही मायने में आप जैसे कई तरह से, जी जी बोलिए। हाँ सॉरी डिस्टर्ब, आप जैसे आवाज आ रही मेरी, आप जैसे कई सारे साथी है जो पूरी तरह से विपक्ष की बात रख रहे हैं, उन सब का धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी काम कर रही है और झूठ पे झूठ बोलने का काम जो 14 से 20 तक शुरू हुआ है, देखिए कोई भी अगर संवेदनशील प्रधानमंत्री होता तो क्या वो सेंट्रल विस्टा की बिल्डिंग बनाने में अपना एजेंडा लगाता?
क्या एक लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन वो ये कर लेता क्या? सही मायने में आप देखेंगे कि सांसदों का सांसद निधि तो गांव में और वार्डों में खर्च होता था, लेकिन वो आप कट करते कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल विस्तार तो नहीं। मैं तो मेरी नाम की पार्टी यहाँ लगा कर ही जाने वाला हूँ। ये जिस प्रधानमंत्री का एजेंडा है, जो अपने देश की जनता को वैक्सीन देने के बजाय बाहर की देश की जनता को वैक्सीन दे रहा है और कैसे विश्व गुरु बनते जा रहे हैं, और उसका ही प्रेज अगर सभी मीडिया करती है। और देखिए, जैसे मैं गुजरात की बात क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऐसे कितने स्पीचेस है, वो कहते थे कि आवाज आ रही है जी, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं कहीं भी रहूं, गुजरात की जनता जब मुझे आवाज देगी, मैं जहां भी रहूंगा, मेरी गुजरात के लिए मैं दौड़ते हुए आऊंगा। पिछले एक महीने से ना प्रधानमंत्री आए ना गृह मंत्री आए। अरे भाई, आप गुजराती होने का तो कम से कम फर्ज निभाओ, बंगाल में भाषण दो, कोई इशू नहीं है हमें, लेकिन गुजराती होने का फर्ज कब आप निभाओगे, ये हमारा सवाल है। क्योंकि आपने, आपको जो ग्लोरी दी है वो गुजरात ने दी है, और वो आपने गुजरात में कोरोना का शुरुआत आपके वजह से हुआ, चाहे वो नमस्ते ट्रंप हो या नमस्ते स्टंप हो, ये दोनों इवेंट आप लोगों ने किए हैं। तो कम से कम गुजरात के जनता के प्रति का उत्तरदायित्व तो निभाइए, ये हमारी विनती है सिर्फ। दुर्भाग्य से बनारस के लोगों का भी यही हाल है राजीव भाई, पिछले दिनों से वहां भी कोरोना। वो तो वहां पर तो वो आदित्य जी और मोदी जी दोनों मिलके तो क्या बोले, फिर वो तो होली अलायंस है। जी परेश भाई कुछ ऐड करना चाहते थे, परेश धनानी जी। हिंदुस्तान ने माना था कि हम किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन गुजरात वाले जान रहे थे कि हम प्रचार मंत्री भेज रहे हैं, जो देश के कोने कोने में गुजरात मॉडल का प्रचार करेंगे, देश के लोगों को गुमराह करेंगे और सत्ता हथियाएंगे। सही तो ये बात है कि गांधी और सरदार का गुजरात आज मौत के सामने लड़ाई लड़ रहा है, मौत को झेल रहा है। हर रात में कितने हजार लोग मर रहे हैं, चुपचाप उसको स्मशान भेजा जा रहा है, चुपचाप उसको जलाया जा रहा है, और स्मशान की सगड़िया लाशों को जलाते हुए खुद पिघल रही है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री प्रचार करने में व्यस्त है और उनका दिल नहीं पिघल रहा है। तो ये गुजरातियों के मन में खेद है। हम आप ही के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को विनती भी करते हैं कि सर कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हर रात में कितने लोग मरते हैं बिना अस्पताल, डॉक्टर, ऑक्सीजन इंजेक्शन के। अपने नजर से आप गुजरात मॉडल को देखोगे तो वही बात हिंदुस्तान के सामने कल आएगी। धन्यवाद। अगला सवाल सिद्धार्थ है एनआई से। सिद्धार्थ पूछिए। सर मेरा सवाल सातव सर से और धरानी साहब से है, दोनों से है, जो भी जवाब देना चाहे। गुजरात में कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के तौर पे क्या कदम उठा रही है? कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के लोग लोगों को मदद कर रहे हैं, और या इसी तरफ से कहा भी गया कि कंट्रोल रूम सेटअप करें। उस तरीके से आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? और जब ऐसे में जब आप प्रधानमंत्री से तो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन और भी चैनल्स हैं एक राज्य के अंदर अपोजिशन के पास, क्या उनका भी इस्तेमाल करेंगे आप, चाहे वो गवर्नर के पास जाने का हो, चाहे तो कोर्ट जाने का हो? क्योंकि कई जगहों पर देखा गया, जैसे आज कोर्ट ने दिल्ली के हालात पे शो मोटो लिया है, तो आप लोग उसका भी दरवाजा खटखटाएंगे इसमें? हो गया। आपने जो कहा मेरे शुरुआत में, मैंने इस बारे में बताया था कि अभी तक हम गवर्नर को, पिछले साल भी हमने बात की, इस बार भी मेरे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता वहां पर गवर्नर साहब से मिले थे, मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। पिछले एक साल से हम ऑल पार्टी मीटिंग की भी मांग कर करके थक चुके हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही, इसलिए हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे। हमने हमारी तरफ से कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करने के लिए सूरत में, अहमदाबाद में अर्जी भी डाली है और हम, मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी वो कोविड केयर सेंटर शुरू करेंगे। हेल्पलाइन की भी शुरुआत हुई है। पिछले साल जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए फ्री रेलवे की बात हो सकती है, हम फ्री रेलवे कर रहे थे और बीजेपी वाले पैसे लोगों से ले रहे थे, ये वीडियो में भी वायरल हुआ है।
जो जहां पर हो सके वहां पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए अन्न छत्र भी चलाए जा रहे हैं। तो जो एफर्ट्स और हमारे जो एमएलएज हैं पूरी तरह से अपने प्रदेश में अपने क्षेत्र में लगे हैं, कई सारे पॉजिटिव हुए, पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद फिर काम को लग गए। लेकिन बात यह है कि विपक्ष की कुछ मर्यादा है और उस मर्यादा में हम हमारा काम करेंगे और आखिर दम तक करेंगे। और यह तो हमारे गुजरात के कांग्रेस के नेता ये संघर्ष तो भली भांति पहले से करते आए हैं। वो संघर्ष मोदी मुख्यमंत्री थे तब भी किया था, अभी भी हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री कभी तो अपने गृह राज्य की तरफ ध्यान देंगे कि नहीं, ये सवाल हम नेशनल फ्लोर पे आज उठाना चाह रहे हैं कि बाकी देश का छोड़ो लेकिन अपने गृह राज्य की तो हालत देखो। लेकिन ये कहते वक्त गुजरात विपक्ष के रूप में गुजरात की कांग्रेस की जो भूमिका है हम पूरी तरह से अदा करने की दिशा में है। मुझे लगता है अमित भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे तो मेरा पॉइंट छोड़ के और परेश भाई। जी भाई, जैसे सातव जी ने बताया, हमने पहले दिन से एक जवाबदार विपक्ष के तौर पे पॉजिटिवली सरकार के साथ रहे। लास्ट ईयर भी हम सीएम से मिले, गवर्नर से मिले, लिखित तौर पे सजेशंस भी दिए थे और समर्थन भी दिया था। पूरे साल के दौरान सभी जगह जो गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए खाना की फैसिलिटी हो, फूड पैकेट्स हो, राशन की किट हो, सैनिटाइजेशन और बाकी की जो भी दवाइयां हो उसके लिए भी काफी एग्रेसिवली, जबकि पिछले 25 साल से हम विपक्ष में हैं, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन पे जाके लोगों के साथ ये खुश समय में मदद की है। इस बार भी ये सेकेंड वेव जब शुरू हुआ तब भी हम सामने से गवर्नर का टाइम लेके गए, सामने से सरकार को बुला के हम आपके साथ है, ये मुश्किल घड़ी में पॉलिटिक्स तो होता रहेगा लेकिन अभी हम मिलके लड़े। लेकिन ये अहंकारी शासक जो है यहाँ गुजरात में भाजपा के, वो किसी की सुनना भी नहीं चाहते, किसी को साथ लेना भी नहीं चाहते और अपनी मनमानी करना चाहते। तो भी हमने पूरे गुजरात में अभी हमारी सभी प्रीमाइसिस ऑफर की, पूरे गुजरात के लोगों के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि हेल्पलाइन नंबर पे रोज 1000 जितने कॉल आते हैं उसमें से मैक्सिमम कॉल वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन और जो अस्पताल में बेड के लिए आता है उसके साथ भी हमारे लोकल एमएलएस जो है उनको हमने जोड़ा है। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलके मैक्सिमम लोगों को हम मदद कर रहे हैं। साथ में जैसे मैंने बताया कि पिछले साल भी हमारे एमएलएस ने अपने एमएलएस फंड से करीबन 7 करोड़ रुपए वेंटिलेटर और बाकी उसके इंस्ट्रूमेंट के लिए दिए थे। इस बार भी हमने इंजेक्शन और वेंटिलेटर्स के लिए सभी एमएलएस ने अपने फंड से 15-15 लाख देने की शुरुआत की है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिवली एक रचनात्मक विपक्ष के तौर पर हम मदद भी कर रहे हैं। जहां सरकार की कमियां है, गलतियां है, उसको हम मीडिया में जाके भी उजागर कर रहे हैं, वो स्पॉट पे जाके भी उसके जो कमियां है उसको निकाल के लोगों को हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब सरकार नहीं सुनती तो उसके सामने हम गवर्नर से जाके तो बोल रहे हैं लेकिन साथ में नामदार हाईकोर्ट के सामने भी जा रहे हैं और सरकार को उसकी गलतियां सुधारने के लिए कोर्ट आदेश दे वो भी प्रयास करें। जैसे अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हुई कि पार्टी के प्रेसिडेंट के द्वारा ही उसकी संग्रहखोरी कालाबाजारी हो तो उसके सिवा सामने सरकार तो चुप है। तो हम हाईकोर्ट में भी गए, पूरे गुजरात में उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर करवाने का भी पूरा जुम्बेश शुरू है। तो हम लोगों के साथ है, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं और जहां जहां सरकार को मदद चाहिए मदद भी कर रहे हैं और सरकार की जहां कमियां हैं और गलत नीतियां हैं उसको भी सुधार करने के लिए लड़ाई लड़ रहे। थैंक यू। थैंक यू अमित भाई। मेरे ख्याल से और एक मिनट इसमें एक एडिशन करना चाहूंगा जी। कि इसमें हमने ऑलरेडी पीआईएल भी दाखिल की है, जो जिस प्रकार से गुजरात के नेताओं द्वारा ये बांटे जा रहे हैं बिना अप्रूवल के, तो वो ऑलरेडी हाईकोर्ट के सामने वो पीआईएल है और उन्होंने नोटिस भी इशू किया है, बीजेपी के अध्यक्ष को भी किया है, सरकार को भी किया है। और हम निश्चित रूप से इससे उम्मीद रखेंगे कम से कम रेमडेसिविर बांटना ही है तो गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू ये सब लोग बांटे
और वो जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे रेमडेसिविर बांटना ही इलीगल है, तो ये कैसे बांट सकते हैं। और ये आपने देखा होगा कि ये सेम मॉडल है महाराष्ट्र में, जो फडणवीस जी को जाना पड़ा था पुलिस के पास, क्योंकि वहां 10,000 रेमडेसिविर उनके पास आ रहे थे और वो भी ऐसे बांटने के दिशा में जा रहे थे। तो ये सेम पैटर्न चल रहा है महाराष्ट्र गुजरात में। धन्यवाद सर, लगभग एक घंटे हो चुके हैं। एक सवाल और आया आखिर में, संदीप स्वर्णकार वर्तमान से। संदीप, क्विकली आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, क्विकली, जैसे सब हम जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी दोनों ही गुजरात से हैं और दोनों यहाँ देश भी चला रहे हैं। तो जो कोविड सिचुएशन दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, चाहे गुजरात हो चाहे पूरा देश हो, तो कांग्रेस क्या ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरा देश के सामने ये झुक के क्षमा मांगे? भैया, क्षमा तो बाद में होती रहेगी, अब हमारे लिए बेड की जरूरत है, हमारे लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, रेमडेसिविर की जरूरत है। और सही मायने में अभी ये इलेक्शन मोड को छोड़ के प्लीज भगवान के लिए, इस देश की जनता के लिए प्लीज जो जरूरत की बातें हैं कोविड से फाइट करने के लिए उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर ये सरकार थोड़ी भी संवेदनशील होती थी तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो लेटर लिखा उसका जवाब हेल्थ मिनिस्टर दे। क्या ये आपको भी ठीक लगता है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा है, मोदी साहब को लेटर लिखा है, कम से कम मोदी साहब दो लाइन का लेटर तो भेजे, आपकी चिट्ठी मिली मैं देखता हूँ, इतना तो कम से कम आप कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल की बात करें। और ये सरकार का अहम इतना बड़ा है, अरे ये कब माफी मांगेंगे? ये माफी सवाल, ये माफी से बात एंड होने वाली है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस देश को आज ऑक्सीजन की जरूरत है, इस देश को रेमडेसिविर की जरूरत है, इस देश को वैक्सीन की जरूरत है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। आप राहुल गांधी जी एक साल से कह रहे हो, एक साल से जो जो राहुल जी के ट्वीट थे वो ट्वीट भी ये देख के अमल कर लेते थे तो ये हालत नहीं आती थी। ये सुनना नहीं चाह रहे है, ये इनका घमंड और अहंकार इस देश को लेकर डूब रहा है। कम से कम थोड़ा बहुत तो घमंड छोड़िए और बाकी एक्सपर्ट से बात करिए, इतनी हमारी इसमें सरकार से कहना है। थैंक यू राजीव भाई, धन्यवाद आप तीनों का गुजरात मॉडल को विस्तार से बताने के लिए। ये बताने के लिए कि 25 साल में कोई नया अस्पताल नहीं बनाया गया, और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 18 जिलों में सिटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं है। और अंत में इन महत्वपूर्ण शब्दों के साथ कि माफी नहीं, ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, दवाई चाहिए, बेड चाहिए, वही हमारे काम आएगा। मैं आप तीनों का, राजीव भाई, अमित भाई और परेश भाई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।